नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है इस चैनल पे। और आज यहाँ पे लेके आया हूँ बहुत ही ट्रेंडिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब देखो भाई, यहाँ पे आपने जीरो का, जो शाहरुख खान की मूवी आ रही है, जीरो का ट्रेलर देखा होगा। ट्रेलर नहीं देखा होगा, मूवी भी देख ली होगी अभी, हो सकता है बहुत लोगों ने वो भी नहीं देखा होगा। तो आपको एक चीज़ तो पता लगी होगी इस मूवी के बारे में कि यहाँ पे जो पूरा फोकस है, जो पूरा USP है मूवी का, वो ये है दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे जो शाहरुख खान का जो एक्चुअल हाइट है रियल लाइफ में, वो 5.5 फीट से घटा के यहाँ पे इस मूवी में उसको बौना बना दिया गया है। अब यहाँ पे बहुत लोग सोच रहे होंगे, बहुत लोग के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि यार 5.5 फुट का बंदा, अच्छे खासे हाइट का बंदा, इतना बौना कैसे हो गया मूवी में? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो गई भाई यहाँ पे कि ये नॉर्मल इंसान को यहाँ पे बौना बना दिया गया? तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में इसी के बारे में। तो बस आप बने रहिए वीडियो के साथ और देखिए क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। हाँ हाँ हाँ, देखो अब। अब देखो भाई, यहाँ पे बात करें हम इंडियन मार्केट में, तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है एज कम्पेयर टू फॉरेन टेक्नोलॉजी, हमारे पास थोड़ी सी कम टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे उन टेक्नोलॉजी को मीट कर रहे हैं, हम धीरे धीरे सबको बीट कर रहे हैं। और ये देखा हुआ आपने बाहुबली के टाइम पे। अब मैंने यहाँ पे मूवी देख लिया, मूवी मेरे को एवरेज लगी, तो इतना कुछ तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो मूवी का मेन पॉइंट था वो था यहाँ पे शाहरुख खान, जो एक बौने की एक्टिंग कर रहे हैं। अब मैंने सोचा ये बौने की एक्टिंग हो कैसे, ये बंदा बौना कैसे बन गया? मैंने फिर इसके पीछे रिसर्च किया बहुत कुछ, और फिर जो मुझे पता चला ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो चीज यूज होती है आजकल, वैसे हर मूवी में होती है, वो होता है VFX इफेक्ट। VFX होता क्या है बेसिकली, कि ग्रीन पर्दा, ग्रीन कलर का सेट लगाया जाता है और उस पे आप एक्ट वगैरह करते हो। तो उसमें क्या है कि जो भी थीम चाहिए, जो भी लोकेशन चाहिए, जिस टाइप का भी एनिमेशन चाहिए, वो ग्रीन पर्दे के थ्रू आप उसको अचीव कर सकते हो। अब यहाँ पे जो दूसरी टेक्नोलॉजी यूज हुई वो हुई यहाँ पे डबल स्केलिंग। अब डबल स्केलिंग की बात करें तो इसमें मेहनत बहुत लगती है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे एक मूवी एक्चुअल में दो बार बनाई जाती है। अब दो बार कैसे, मतलब ये है कि पहले एक एक्चुअल शॉट लिया जाता है जिसमें नॉर्मल जो मूवी है, जिसमें सारे कैरेक्टर है, उनको शूट किया जाता है, और फिर उसी लोकेशन पे उसी तरीके से एक दूसरा शॉट लिया जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हीरो का शॉट लिया जाता है, जो कि लीड एक्टर है, मतलब कि शाहरुख खान या फिर बौना। फिर इसमें क्या किया जाता है कि बाद में जो पहला शॉट लिया गया था, जो दूसरा शॉट लिया गया था, दोनों को मर्ज कर लिया जाता है, और यहाँ पे स्केलिंग इफेक्ट यूज किया जाता है, मतलब कि पहले शॉट को नॉर्मल रखा जाता है और दूसरे शॉट में जहां पे शाहरुख खान को लिया गया था उसको छोटा कर लिया जाता है, ताकि बाकी लोगों के कंपैरिजन में शाहरुख खान छोटे दिखें। यहाँ पे आप इमेजेस में देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे डबल स्केल का यूज करके इंसानों को छोटा कर दिया गया। ये पहले देखने को मिला था लॉर्ड ऑफ रिंग्स में। तो ये होता है दोस्तों यहाँ पे डबल स्केलिंग। अब आती है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि तीसरा तरीका यूज होता है शाहरुख खान को छोटा बनाने में या ऐसी किसी भी काइंड की मूवी में, वो होता है यहाँ पे फोर्स पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फोर्स्ड पर्सपेक्टिव, मतलब कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे छलावा किया जाता है, एक्चुअली धोखा किया जाता है ह्यूमन आई के बीच में और कैमरे के बीच में। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे एंगल से शॉट लिया जाता है कि यहाँ पे कैमरा भी कंफ्यूज हो जाता है, ह्यूमन आई भी कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअल में कौन सी चीज कहाँ रखी गई है। तो यहाँ पे जो एंगल है और जो डिस्टेंस है वो काफी मैटर करता है। यहाँ पे आप इस वीडियो में एग्जांपल में देख सकते हो कि इस बंदे ने पहले यहाँ पे केक लाके रखा, तो यहाँ पे देखो केक कैमरे के सामने रखा है, इसके बाद बंदा भाग के पीछे जाता है और वहां पे वो सीढ़ी लगाता है, जीना लगाता है, और फिर वो दिखता है कि केक के अंदर कूद गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि कैमरे के सामने उसने केक रखा, तो उसकी वजह से कैमरे को ऐसा लगा कि केक उसके पास है, केक बड़ी चीज है। उसके बाद वो पीछे गया तो कैमरे को ऐसा लगा कि जो पीछे वाली ऑब्जेक्ट है, जो पीछे वाली चीज है, वो छोटी चीज है। और इसके थ्रू यहाँ पे एक इल्यूजन क्रिएट हो गया जहां पे आपकी आंखें और कैमरा दोनों धोखा खा गए। तो ये होता है फोर्स्ड पर्सपेक्टिव। ये एग्जांपल और देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए बोतल सामने रखी है और कैमरे का जो एंगल है वो बोतल के बिल्कुल टॉप पे है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो लड़की है ये पीछे से बोतल के टॉप पे कूद रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि लड़की जो है वो बोतल के अंदर कूद गई एक्चुअली। तो ये पूरा का पूरा कमाल है दोस्तों यहाँ पे कैमरे के एंगल का और डिस्टेंस का पास। तो भाई ये थी तीन टेक्नोलॉजी, पहली थी VFX, दूसरी थी डबल स्केल, तीसरी थी यहाँ पे फोर्स्ड पर्सपेक्टिव, और ये थी यहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी इस मूवी के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अच्छा खासा इंसान बौना कैसे बन गया, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं खत्म, आगे मिलेंगे फिर कुछ नई वीडियो में, कुछ नई क्यूरियोसिटी के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय।